त्रिफला चूर्ण का प्रयोग किसी भी उम्र के व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट ना हो। अगर आप रोज त्रिफला पाउडर लेना शुरू करें तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, त्रिफला चूर्ण कैसे लेना चाहिए, त्रिफला चूर्ण कब कब लेना चाहिए, इन्हीं सब बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम त्रिफला पाउडर के कुछ गुणों को, कुछ प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो त्रिफला चूर्ण हाइपोग्लाइसेमिक होता है, यानी ये हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है, शुगर कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। ये डाइजेस्टिव स्टिमुलेटर भी होता है, यानी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। ये फैट बर्नर होने के साथ साथ लैक्सेटिव होता है, यानी दस्तावर होता है, आंतों की गंदगी को साफ करके कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलवाता है। तो अगर आप रोज त्रिफला चूर्ण का सेवन करना शुरू करें तो सबसे पहला बदलाव ये होगा कि त्रिफला चूर्ण आपकी इम्यूनिटी पावर यानी रक्षात्मक शक्ति को बढ़ा देगा, और डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी पावर ही सबसे पहले कमजोर होती है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट को अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। त्रिफला में आंवला होता है, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ता है। त्रिफला में हरण होती है, जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को घटाती है। हरण WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाती है, जिसकी हेल्प से हमारा शरीर किसी भी इन्फेक्शन से लड़ पाता है। इसलिए WBCs को इम्यून सेल्स भी कहते हैं। त्रिफला में बहेड़ा होता है, जो बैक्टीरिया या फंगस वगैरह से लड़ता है और उनका नाश करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप 4 ग्राम त्रिफला चूर्ण को शहद में मिलाकर खाना खाने से आधा घंटे बाद गुनगुने पानी से ले सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो शहद कम मात्रा में मिलाएं या शहद बिल्कुल ना मिलाएं। ऐसा आपको लगातार 1.5 से 2 महीने करना पड़ेगा, पर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा बदलाव ये होगा कि त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से आप अपनी डायबिटीज को मैनेज कर पाएंगे, शुगर कंट्रोल आराम से कर पाएंगे, क्योंकि त्रिफला चूर्ण में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। त्रिफला का सेवन करने से इंसुलिन का उत्पादन अच्छे से होता है, और जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उन्हें आसानी से ग्लूकोज प्राप्त होने लगता है, जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा घटने लगती है, शुगर कंट्रोल होने लगती है। तो आप रोज रात को 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं और अपने शरीर में फर्क महसूस कर सकते हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा बदलाव ये होगा कि त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, यानी आपके शरीर की सफाई हो जाएगी। मतलब ये हुआ, अगर आप त्रिफला चूर्ण लेना शुरू करें तो ये आपकी बॉडी की जो अशुद्धियां हैं उन्हें बाहर निकाल देगा। त्रिफला चूर्ण खून की सफाई के साथ साथ हमारी आंतों की और लीवर की भी सफाई करता है तथा हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप रोज रात को 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण और 3 ग्राम अदरक को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इस पानी को बॉईल करें। जब ये पानी जलकर आधा रह जाए तो इसे छानकर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर सुबह खाली पेट सिप सिप करके पिए, घुट घुट करके पिए। ये आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करेगा, पूरे शरीर की सफाई करेगा। अब चौथा बदलाव ये होगा कि त्रिफला चूर्ण आपकी पेट से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। ये त्रिफला चूर्ण हमारे जो मल होता है उसे नरम बनाता है, जिससे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दूसरे चूर्ण की तरह त्रिफला चूर्ण की कभी भी शरीर को आदत नहीं पड़ती, लत नहीं लगती, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। जिन लोगों को गैस की समस्या है
वो भी इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये आंतों में फंसी हुई गैस को निकालता है तथा हमारी पाचन शक्ति यानी डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है। तो आप रोज रात को 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं 1.5 से 2 महीने तक, फिर कुछ दिन छोड़ दें और इसके बाद दोबारा त्रिफला चूर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। त्रिफला चूर्ण के ऐसे और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमारे शरीर की चर्बी को कम करके हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी को कम करता है, स्किन इन्फेक्शन और डेंड्रफ को जड़ से खत्म करता है। त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है, हरड़, बहेड़ा, आंवला। अगर आप त्रिफला पाउडर अपने घर पे बनाना चाहते हैं तो आप हरड़, बहेड़ा, आंवला को बराबर बराबर मात्रा में ले सकते हैं, या फिर 1-2-3 के रेशियो में ले सकते हैं, जैसे 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला। वैसे ये त्रिफला पाउडर बाजार में बना बनाया हुआ भी मिलता है या आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन घर पर बनाया गया त्रिफला चूर्ण बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। वैसे त्रिफला चूर्ण को आप हमारे पास भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें।